अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व्यूवर्स, ये प्रिंटर है एच पी लेज़र जेट 5200N। इस प्रिंटर का बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस प्रिंटर को आप ऑन करें और जब प्रिंटर ऑन करने के बाद ये रेडी कंडीशन में जाता है तो यहाँ पे डिस्प्ले पैनल पे एक एरर मेंशन होता है कि आउटपुट बिन फुल, और बार बार यही क्लिक करता रहता है आउटपुट बिन फुल। तो आउटपुट बिन फुल का बेसिकली क्या प्रॉब्लम होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मसला कहां पे होता है और कैसे रिजॉल्व होता है। तो ये प्रिंटर है एच पी लेज़र जेट 5200N, जिसके डिस्प्ले पैनल के ऊपर रेडी से पहले ही नेशलाइज पूरा हो जाता है। नेशलाइजिंग के बाद आपका स्टिल एक एरर मेंशन होता है जिसमें आप ये लिखा होता है कि आउटपुट बिन फुल। जैसे ही आप कंप्यूटर से, अगर प्रिंटर रेडी पे भी रहता है तो अगर आप सिस्टम से इसको प्रिंट देते हैं तो प्रिंट देने के बावजूद भी जैसे ही इसको प्रिंट मिलेगा तो ये प्रिंट देने से पहले ही आके सामने एरर मेंशन कर देता है जी कि आउटपुट बिन फुल। तो आउटपुट बिन फुल का मतलब क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये कहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो वीडियो में आके बढ़ने से पहले कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा जो इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आउटपुट बिन का एरर देने के साथ ये प्रिंटर रेडी पे आता है, वहाँ से प्रिंट देते हैं, तो जब प्रिंटर प्रिंट को एक्सेप्ट करता है तो जैसे ही ट्रे टू से आपका पेपर पिक करता है तो आपका पेपर इस पोजीशन में आके आपका पेपर स्टक हो जाता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आउटपुट बिन कहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम है इसकी आपकी इस आउटपुट बिन में है। इसके आउटपुट बिन का जो सेंसर है वो वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है वो मैं चेक करके आपको बताऊंगा। अभी बेसिकली मैंने ये प्रिंट ली है तो प्रिंट लेने के बाद इसने प्रिंट तो दे दी है, लेकिन पेपर को इसने यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे आके इसने इस पेपर को स्टक कर दिया है। अगर आप टेम्परेरी प्रिंटर को चलाना चाहते हैं तो इसकी ये जो बैक ट्रे आप इसको खोल कर रखें तो आपकी प्रिंटिंग एक्यूरेट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर कंडीशन में वर्किंग करना चाहते हैं, इसको कोई प्रिंट लेना चाहते हैं, तो जब आप इस कवर को बंद करेंगे तो आप चाहते हैं कि आपकी प्रिंटिंग यहाँ से बाहर की तरफ निकले, तो यहाँ पे आपके पेपर स्टक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आउटपुट बिन की तरफ से कोई मसला है जिसकी वजह से आपका जो प्रिंटर है वो पेपर को प्रॉपर एग्जिट पॉइंट से बाहर की तरफ नहीं निकाल रहा। तो प्रिंटर का मॉडल नंबर है एच पी लेज़र जेट 5200, जिसमें आपका A3 साइज़ का पेपर भी लग सकता है आसानी से, A4 का भी। काफ़ी हैवी ड्यूटी प्रिंटर है ये आप देख सकते हैं। अभी बेसिकली मैंने जब इसका प्रिंट लिया तो प्रिंट लेने के बाद इसने इसको इस पेपर को इस पोजीशन में आके इसने इसको स्टक कर दिया है। तो प्रॉब्लम आपकी आउटपुट बिन की, ये आउटपुट बिन में किस चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। देखिए इस प्रिंटर की जो पहले प्रिंटिंग ली जा रही थी वो बैक कवर खोल के इसकी प्रिंटिंग की जा रही थी, क्योंकि इसका आउटपुट में प्रॉब्लम कर रहा है जिसके साथ पेपर पूरा बाइक एग्जिट पॉइंट से निकलता नहीं था। तो इस वजह से टेम्परेरी इसको बैक ट्रे खोल के इसका यहाँ पे इसका स्क्रू लगाओ, ये आपने जो बैक कवर है इसको बहुत एहतियात से इसको ओपन करना है, क्योंकि अब इसका मस्का टॉप अप खोलेंगे। टॉप अप कवर
कवर खोलने के लिए भी इसके सामने फ्रंट पे भाग देंगे, इसको इस तरह प्रेस करेंगे, इस तरह में इसका ठीक भाग है। पैनल को निकालने के बाद ये ध्यान से कीजिएगा कि इसकी ये पैनल की स्ट्रिप लगी है जो आप उसको अलग कर दी। मैंने आपको बताया कि आउटपुट बिन फुल का एरर जो होता है वो है आपके सेंसर का होता है। अभी अगर आप बेसिकली देखें तो इसकी केबल अनप्लग हुई है, ये डायरेक्टली हमने इसको मैनुअल तौर पर चला रहे हैं फिल वक्त जो इसको चला रहा है। ये इसका सेंसर लगा हुआ आउटपुट बिन फिल का, आपको दिखा भी देता हूँ। अगर ये कैमरा नज़दीक लेके आए तो ये चेक कर, ये इसका सेंसर है आउटपुट पिन का। ये सेंसर अगर फॉल्टी हो जाए तो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे करर मेंशन होता है जिसको कहते हैं आउटपुट बिन फुल। आउटपुट बिन फुल मतलब कि आपका सेंसर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा, ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आप प्रिंटर रेडी पे नहीं रहता। दूसरा, अगर ये सेंसर ख़राब हो तो आपके एग्जिट पॉइंट से पेपर बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया कि जैसे ही मैंने प्रिंटर को प्रिंट दिया तो उसने पेपर को एग्जिट पॉइंट में सेंटर में आकर उसने पेपर को जैम कर दिया। जैम करने का बेसिकली प्रॉब्लम यही था कि आपका सेंसर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से उसने वो मसला शुरू कर दिया। तो हम सिर्फ सेंसर को, ये सेंसर बेसिकली ठीक नहीं हो सकते, हम इस सेंसर को सिर्फ जस्ट रिप्लेस करेंगे, नया लगाएंगे तो आपका प्रिंटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा। ये बेसिकली इसका सेंसर है और ये इसके सेंसर के पॉइंट बने हैं। ये सेंसर ख़राब होने की वजह से अभी तो ये देखिए हमने इसको वायर अनप्लग किए हुए, इसको मैनुअल चला रहे हैं। जब आप इसको सेंसर नया लगाएंगे तो वायर इसकी इस केबल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो वर्किंग कंडीशन हो जाएगा। आउटपुट पिन फुल का जो एरर है वो एरर भी ख़त्म हो जाएगा और एग्जिट पॉइंट है जो आपका पेपर जैम कर रहा है टॉप पे, आउटपुट पिन वो भी आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। सेंसर चेंज करने के बाद आपने सिर्फ जस्ट इसकी ख्याल रखना है कि वायर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव मस्ट आपने इस चीज़ का एहतियात करना है। अगर आपके वायर उल्टी लगेंगी तो आपका सेंसर फिर से डैमेज हो सकता है। तो जस्ट सिर्फ केबल का आपने एहतियात करना है कि केबलों को आपने कैसे प्लगिंग करना है। और सिर्फ इस प्रिंटर के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम यही थी कि जैसे ही प्रिंटर को ऑन करें नशियाज होता था, नशियाज होने के बाद सामने डिस्प्ले स्क्रीन पे एरर मेंशन होता था कि आउटपुट बिन फुल। आउटपुट बिन फुल आपके प्रिंटर की ये ऊपर वाली चीज़ होती है, हर प्रिंटर पे स्कैनर के साथ ये जो आपकी बैक चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं आउटपुट पिन। आपके इस प्रिंटर के ऊपर जो एरर मेंशन होता है वो मेंशन था आउटपुट पिन फुल। आउटपुट पिन फुल का मतलब कि जो आपका सेंसर है इसने एग्जिट पॉइंट पे अपना काम छोड़ दिया था, ख़राब होने की वजह से आपकी एग्जिट पॉइंट से आपका पेपर भी जैम कर रहा था और प्रिंटर रेडी भी नहीं रहता। तो बेसिकली प्रॉब्लम बताने का ये मसला था कि अगर कुछ व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को देखे कि ये मसला कहाँ पे है, तो इसलिए आउटपुट पिन का मतलब यही है कि आपका इस एंड पे इस हिस्से पे प्रिंटर के हिस्से में फॉल्ट है और फॉल्ट सिर्फ इस सेंसर का होता है। बकाया कोई ऐसी चीज़ इसमें है नहीं जो ज़्यादा ख़राब हो सके, सिर्फ सेंसर ही ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो प्रिंटर है HP LaserJet 5200 जिसके ऊपर जो है एरर मेंशन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेगा।